हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज दिस इज दिव्या माइश्वरी स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी टी मैट्रिक्स का क्लास सिक्स का लेसन एट जिसका नेम है एस टी फाइव और आज की वीडियो में आप करेंगे एक्सरसाइजेज जितनी भी बुक में एक्सरसाइजेस हैं वो सभी कवर करेंगे और साथ में एवास प्रैक्टिस टाइम एवा ने यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम में एक छोटा सा वेब पेज क्रिएट करने के लिए कहा है वो वेब पेज हम क्रिएट करेंगे और उसे समझेंगे साथ में फ्लैशबैक भी जानेंगे इस चैप्टर में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको फ्लैशबैक में स्टडी करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम 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 लेट्स बिगिन सो सो फर्स्टली प्रैक्टिस प्रैक्टिस जान लेते हैं हैं हमें हमें कुछ दे रही हैं. So उसमें प्रैक्टिस करनी है जो हमने इस चैप्टर में कम्प्लीटली सीखा है उसकी प्रैक्टिस इसी से हो जाएगी हम सब कुछ इसमें जान पाएंगे कि वेब पेज में कौन कौन से का हम यूज करके एक वेब पेज क्रिएट करते हैं सो यहाँ एवा बोल रही है कि टीशा वॉन्ट्स टू क्रिएट अ वेब पेज टू इन्फॉर्म हर क्लासमेट्स अबाउट द लेटेस्ट गूगल एप्स टी चाहती हैं एक वेब पेज क्रिएट करना अपने क्लासमेट्स को लेटेस्ट गूगल ऐप के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए एक वेब पेज क्रिएट करना चाहती हैं हेल्पर डिजाइन द वेब पेज एज पर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन उनको डिजाइन करने में हमें हेल्प करनी है निम्नलिखित स्पेसिफिकेशन जो नीचे दी गई हैं उन्हें समझ लेते हैं सबसे पहले है टाइटल ऑफ द पेज शुड बी लेटेस्ट टैग इन्फो टाइटल जो पेज का देना है वो लेटेस्ट टेक इन्फो के नाम से होना चाहिए मीन्स उस पेज का जो टाइटल रहेगा वेब पेज का टाइटल वो लेटेस्ट टेक इन्फो रहेगा देन यूज एच वन एंड एच टू टैक्स टू डिफाइन हैडिंग एंड सब हैडिंग हैडिंग और सब हैडिंग्स को डिफाइन करने के लिए एच वन और एच टू हैडिंग्स का यूज करना है मीन्स एच वन और एच टू टैक्स का यूज करना है दी एंड शुड बी इटेलिसाइज एंड बोल्ड जो दी एंड लिखा जाएगा लास्ट में वो इटैली होना चाहिए और बोल्ड भी होना चाहिए ऑल्सो गिव अ हॉर्जोंटल रूल एट द एंड ऑफ द पेज पेज के लास्ट में एक हॉरिजोंटल रूल भी देना है सो so देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का लुक दिया गया है ऐसा वेब पेज हमें क्रिएट करना है जिसमें सबसे पहले गूगल एप्स हैडिंग में होगा देन गूगल डॉक्स सब हैडिंग में होगा देन उसके बारे में कुछ बताया गया है इसी तरह से लास्ट में यहाँ पर हॉरिजोंटल रूलर दिया गया है एंड द एंड लिखा गया है सो so ये सैम्पल ऑफ वेब पेज है ऐसा वेब पेज हमें क्रिएट करना है उसके लिए यहाँ पर जो भी टैक्स यूज होने हैं उसके बारे में बताया गया है सो so, मैंने ऑलरेडी ये टैक्स और ये सभी कुछ कंटेंट जो है वो एक नोट की फाइल में टाइप कर लिया है तो मैं उस नोट की फाइल को ओपन करती हूँ ये देखिए यहाँ पर नोट की फाइल ऑलरेडी ओपन है तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और मैंने जो जो लिखा हुआ है वो सभी यहाँ पर टाइप कर लिया है और यहाँ पर हम हम यहीं से समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमने डॉक टाइप एस लिखा जो कि बताता है कि एक एस पेज है देन एस का आपने टैग लगाया एंड हैड टैग लगाया देन टाइटल में हमने लेटेस्ट टेग इन्फो जैसा कि टाइटल के लिए बताया गया है वो टाइटल लिख दिया है देन हेड को क्लॉज कर दिया गया है देन बॉडी टैग स्टार्ट किया गया और उसमें हैडिंग वन में लिखा गया गूगल एप्स एंड हैडिंग को क्लॉज कर दिया गया देन हैडिंग टू में लिखा गया गूगल डॉक्स एंड हैडिंग टू को भी क्लॉज कर दिया गया देन पैराग्राफ क्रिएट किया गया यहाँ पर पैराग्राफ टैग लगा के क्रिएट एडिट एंड कॉलेबरेट विद अदर फ्रॉम एनी डिवाइस और यहाँ पर पी टैग को भी क्लोज कर दिया गया देन हैडिंग टू किया गया देन पैराग्राफ लिखा गया देन पैराग्राफ को क्लोज किया गया देन हैडिंग टू अगेन एंड उसमें जो कंटेंट लिखना था उसे करके हैडिंग टू को क्लोज किया गया देन पैराग्राफ लिखा गया और उसमें जो भी कंटेंट पैराग्राफ में लिखना था वो सारा लिख दिया गया एंड देन पैराग्राफ को क्लोज कर दिया गया देन हैडिंग टू अगेन लिखा गया और गूगल मैप्स लिखा गया और यहाँ पर हेडिंग टू को क्लोज़ कर दिया गया और पैराग्राफ में जो भी कंटेंट लिखना था उसे लिखने के बाद पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया गया देन एच आर टैग जैसा कि लास्ट में बताया था कि हॉरिजोनटल रूल भी देना है तो यहाँ पर हमने एच आर टैग लगा दिया है देन बोल्ड और इटैलिक यहाँ पर बोल्ड और इटैलिक किया गया और दी एंड को हमने बोल्ड इटैलिक में लिखा है क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं एवन ने हमें जो प्रैक्टिस टाइम दिया उसमें बताया गया है कि आपको और रिटेलिंग भी करना है देन बॉडी टैग को क्लोज़ किया गया और इन दोनों को भी क्लोज़ कर दिया गया एंड एस को क्लोज किया गया देन बॉडी टैग अगेन ये थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई मैं इसे डिलीट कर देती हूँ एंड एस को भी डिलीट कर देते हैं ये देखिए यहां पर बॉडी टैग भी क्लोज हो गया और एस टी एम एल टेक भी क्लोज हो गया है अब हम इस फाइल को सेव करते हैं फाइल में जाएंगे एंड सेव में जाएंगे एंड इसको डेस्कटॉप पर हम सेव करते हैं डेस्कटॉप में मेरा फोल्डर है माई एस टी एम एल तो इस फोल्डर में हम क्लिक करके डबल क्लिक करते हैं और यहां पर इसका नेम दे देते हैं लेटेस्ट या टेक के नेम से दे देते हैं टेक डॉट एच टी एम एल एंड देन हम इसको सेव कर देते हैं अब हम डेस्कटॉप पर जाएंगे और इस फाइल को ओपन करके देखेंगे ये देखिए यहाँ पर माई एस का फोल्डर है इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर टेक नेम से एक फ़ाइल है इसको डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो पेज का डिस्प्ले है वो आ चुका है ये देखिए गूगल एप्स जो कि हैडिंग वन में था तो ये सबसे बड़ा हैडिंग है देन गूगल डॉक्स जो कि गूगल डॉक्स जो लिखा हुआ था तो वो एस में था इसलिए इसका साइज थोड़ा छोटा है और ये पैराग्राफ है ये पैराग्राफ पर डिफाइन किया गया देन अगेन H2 टू लिया गया यहाँ पर भी H2 टू लिया गया और ये पैराग्राफ आ गया एंड यहाँ पर अगेन H2 टू लिया गया देन गूगल मैप्स हेरिंग टू लिया गया देन यहां पर आपका पैराग्राफ आ गया देन यहाँ पर ये एच आर आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल रोलर एक लाइन भी आ चुकी है और लास्ट में लिखा हुआ है एंड जिस पे बोल्ड और इटेलीसाइज लगाया गया है सो so, इस तरह से ये पेज हमने क्रिएट किया नाउ फ्लैश में कुछ मेन पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं जो इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एस इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट पेजेस फॉर द वेब एस एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है सेकंड है अ टैग इज यूज टू टेल अ वेब ब्राउजर हाउ एंड वेयर अ पर्टिकुलर टेक्स इज टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब पेज एक टैग का क्या यूज किया जाता है एक टैग का यूज किया जाता है वेब ब्राउजर को यह बताने के लिए कि जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है जो कंटेंट है उसे वेब पेज में कहाँ और कैसे डिस्प्ले करना है ये काम एक टैग करता है तो टैग वेब ब्राउजर को बताता है और वेब ब्राउजर उसे डिस्प्ले करता है नेक्स्ट है टैक्स शुड रिमेन इन द प्रॉपर टैग ऑर्डर टैक्स जो होने चाहिए वो प्रॉपर टैग ऑर्डर में ही होने चाहिए ये नहीं कि टैग को प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा गया मीन्स उसमें एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाया या फिर उसे क्लॉजिंग टैग पर स्लैश का मार्क नहीं लगाया गया तो वो प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा तो इसलिए टैक्स जो होने चाहिए वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए एंड एलिमेंट इंक्लूड्स एवरी थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग टिल द क्लोजिंग टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से जो भी सब कुछ स्टार्ट किया जाता है वो सब एक एलिमेंट से जुड़ा होता है मीन्स जितना भी ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में लिखा होता है वो सब एलिमेंट से जुड़ा होता है एसटीएम एल एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड एसटीएम एल एलिमेंट्स नेस्टेड भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बी आई एंड देन हेलो लिखा गया है देन आई की क्लोजिंग की गई है आई टेक की एंड देन बी टेक की भी क्लोजिंग की गई है सो so यहाँ पर जैसे कि बी और आई दोनों को साथ लिया गया बोल्ड को भी और इटैलिक को भी दोनों टैक्स को साथ लिया गया इस तरह जब टैक्स को साथ लिया जाता है एक ही साथ एक ही टैक्स के ऊपर एक ही कंटेंट के ऊपर जब हम दो या तीन टैग लगाते हैं तो उसे नेस्टेड बोलते हैं तो एस्टिमल में एलिमेंट्स को नेस्ट भी किया जा सकता है एट्रीब्यूट आर एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अटैग एट्रीब्यूट एक टैग से संबंधित इन्फॉर्मेश मीस एट्रीब्यूट टैग की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं टैग की एक्स्ट्रा बिट्स जो होती हैं जो टैग के अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती हैं उसको डिफाइन करते हैं द टैग्स विच डू नॉट रिक्वायर एन ऑफ टैग आर कोल्ड एमटी टैग एक टैग जिसमें ऑफ टैग की आवश्यकता नहीं होती है उसे एम टैग कहा जाता है मीन्स जिस टैग में क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसे एम टैग कहा जाता है द टैक्स विच हैव बोथ द ऑन एंड ऑफ टैक्स आर कोल्ड कंटेनर टैग जिन टैक्स में ऑन और ऑफ टैग होते हैं मीन्स ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं

द एचआर टेक डिफाइन अ थेमेटिक ब्रेक इन द कंटेंट एच आर टेक कंटेंट में थेमेटिक ब्रेक को डिफाइन करता है द कमेंट टेग इज यूज टू इंसर्ट कमेंट इन द कोर्ट कोर्ट में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कमेंट टैग का यूज किया जाता है द बी टैग मेक्स द टेक्स्ट अपेयर बोल्डर देन द नॉर्मल टेक्स्ट बी टैग नॉर्मल टेक्स्ट की तुलना में टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड बनाता है जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड लुक में आ जाता है द आई टैग मेक्स द टेक्स्ट अपेयर इटैली आई टैग जो हमारा टेक्स्ट होता है उसे इटैली साइज अपेयर करता है मीन्स उसको इटैलिक लुक में देता है थोड़ा तिरछापन ले आता है टैग में नाउ एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक यस द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर पर हमें टिक करना है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेनर टैग इनमें से कौन सा कंटेनर टैग नहीं है बॉडी एच टी एम एल और एच आर आंसर इज सी एच आर एक कंटेनर टैग नहीं है एच आर एक एम टी टैग है सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एट्रीब्यूट्स इनमें से कौन सी जो लाइन है वो एट्रीब्यूट के लिए ट्रू नहीं है एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द टैग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं एट्रीब्यूट्स टैग की एट्रीब्यूट अपेयर इन साइड द ऑन टैग एट्रीब्यूट ऑन टेक के अंदर अपेयर होते हैं एंड यू कैन नॉट डिफाइन अवर ऑन एट्रीब्यूट एन एस्टिमल फाइव आप एस्टिमल फाइव में अपने एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कर सकते हैं देखिए एट्रीब्यूट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं टैग की ये तो बात सही है एट्रीब्यूट ऑन टेक के अंदर ही लिखे जाते हैं ये भी सही है लेकिन एस्टिमल फाइव में अपने एट्रीब्यूट तो क्रिएट किए जा सकते हैं यहां कहा गया है कि नहीं किए जा सकते तो यही इसका आंसर है यू कैन नॉट डिफाइन अवर ऑन एट्रीब्यूट इन एस्टिमल फाइव ये ट्रू नहीं है लाइन थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज इंक्लूडेड इन द एन एस्टिमल डॉक्यूमेंट टू एक्सप्लेन द कोड इनमें से कौन सा टैग है जो एस्टिमल डॉक्यूमेंट के कोड को एक्सप्लेन करता है जिसमें बॉडी टैग है टाइटल टैग है या फिर कमेंट टैग है आंसर इज कमेंट टैग क्योंकि कमेंट टैग एस्टिमल डॉक्यूमेंट के कोड को एक्सप्लेन कर सकता है नेक्स्ट है एन एलिमेंट इज़ कम्पोज ऑफ एक एलिमेंट कम्पोज किया जाता है ऑन टैग और ऑफ टैग द कंटेंट बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बोथ ए एंड बी आंसर इज ऑन टैग एंड ऑफ टैग एक एलिमेंट को ऑन टैग और ऑफ टैग में कंपोज किया जाता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज एक वेब पेज के कंटेंट को होल्ड करने के लिए कौन से टैग का यूज़ किया जाता है

आ इज़ यूज टू व्यू द एस्टीएमल फाइल एक एस्टीमल फाइल को देखने के लिए यूज़ किया जाता है क्या यूज़ किया जाता है ब्राउज़र यूज़ किया जाता है फोर्थ है वेब पेज इज़ कम्पोज ऑफ मल्टी मीडिया कंटेंट विच इंक्लूड्स टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो एक वेब पेज मल्टी मीडिया कंटेंट जिसमें कि टैक्सट ऑडियो और वीडियो इंक्लूड होते हैं उसके लिए कंपोज किया जाता है तो टैक्स के साथ साथ क्या क्या होता है ग्राफिक्स भी होता है ऑडियो भी होती है और वीडियो भी होती है नेक्स्ट है एन एस टी एल डॉक्यूमेंट इज विद एक एसटीमल डॉक्यूमेंट सेव किया जाता है एक्सटेंशन क्या होता है उसका डॉट एसटीएमएल या फिर डॉट एच टी एम नाउ ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं फर्स्ट है फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड द मेन पेज वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे मेन पेज कहा जाता है दिस इज फॉल्स वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है सेकेंड है वी शुड नॉट को द एट्रीब्यूट वैल्यूज़ हमें एट्रीब्यूट वैल्यूज़ जो होती हैं उनको कोटेशन नहीं देनी चाहिए मीन्स उनको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना चाहिए दिस इज ऑल्सो फॉल्स क्योंकि जो एट्रीब्यूट वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें कोटेशन मार्क में लिखना पड़ता है थर्ड है द हेड सेक्शन कंटेंस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज हेड सेक्शन वेब पेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे रखता है आंसर इज ट्रू यस हेड सेक्शन के अंदर अपने पेज की जो वेब पेज की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी लिखी जाती है नेक्स्ट है यू कैन यूज बी आर मल्टीपल टाइम्स टू इंसर्ट मल्टीपल लाइन ब्रेक्स इन अ वेब पेज आप एक वेब पेज में मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल लाइन ब्रेक्स इंसर्ट करा सकते हैं मीन्स जो बी आर टैग है उन्हें कई बार आप इंसर्ट करा सकते हैं एक वेब पेज में बिल्कुल सही है हम मल्टीपल टाइम्स ब्रेक्स लगा सकते हैं चाहे जितने ब्रेक्स लगाना चाहें उतने लगा सकते हैं नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेबसाइट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड अ नेटवर्क इंटरनेट वर्ल्ड वाइड पर जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उन सभी का कलेक्शन एक नेटवर्क कहा जाता है उस सभी के कलेक्शन को एक नेटवर्क कहा जाता है ये भी फॉल्स है क्योंकि उसे नेटवर्क नहीं कहा जाता है उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है नाउ आगे करते हैं आइडेंटिफाई द एस्टिमेल टैक्स एस्टिमेल टैक्स को आइडेंटिफाई करना है इसमें फर्स्ट है इट इज यूज्ड टू डिफाइन डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग अलग अलग लेवल्स के हेडिंग को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है आंसर इज एच एन टैग एच एन टैक का यूज किया जाता है जिसमें हैडिंग वन हैडिंग टू हैडिंग थ्री हैडिंग फोर हैडिंग फाइव हैडिंग सिक्स सभी हैडिंग्स आ जाते हैं सेकेंड है इट इज़ यूज टू मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू पैराग्राफ एक नए पैराग्राफ को शुरू करने के लिए यूज किया जाता है कौन सा टैग यूज किया जाता है पी टैग और इसमें एक क्लॉजिंग टैग भी होता है क्योंकि एक कंटेनर टैग है नेक्स्ट है इट इज यूज टू गिव देने के लिए यूज किया जाता है टैग ब्रेक टैग देखिए यहाँ पर दिखाया गया है यूज किया जाता है लाइन को ब्रेक देने के लिए ये एक एम टैग होता है क्योंकि इसमें क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं होती है नेक्स्ट है इट इज यूज टू मेक द टैक्स बोल्ड टेस्ट को बोल्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है बॉल टैग ये यह देखिए यहाँ पर बॉल टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है और इसके बीच में कंटेंट लिखा जाता है ये भी एक कंटेनर टैग है देने इट इज यूज टू मेक द टेक्स इटैलिक टेक्स को इटैलिक बनाने के लिए यूज किया जाता है आई टेग इसके बीच में कंटेंट लिखा जाता है और ये भी एक कंटेनर टैग है क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन निम्नलिखित क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं सबसे पहले है वॉट इज टैग एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एस्टिमल टैग टैग क्या होता है और एस्टिमल टैग के टाइप को एक्सप्लेन करना है तो टैग क्या होता है टैग इज द बेसिक फॉर्मेटिंग टूल ऑफ एस्टिमल एक टैग एच uh, टी का बेसिक फॉर्मेटिंग टूल होता है इट इज़ यूज टू टेल अ वेब ब्राउजर हाउ एंड वेयर अ पर्टिकुलर टेक्स्ट इज टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब पेज और यह एक वेब ब्राउजर को ये बताता है कि उसे वेब पेज पर पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना है उसे कहाँ और कैसे डिस्प्ले करना है ये काम टैग का होता है देर आर टू टाइप्स ऑफ टैग दो तरह के टैग होते हैं एम टैग एंड कंटेनर टैग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस द एस्टिमेट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन डिटेल एस्टिमेट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करना है ये देखिए एस्टिमेट डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख दिया है सबसे पहले हमें डॉक टाइप एसटीएमल लिखना होता है जो बताता है कि ये एस्टीमल डॉक्यूमेंट है देन एस्टिमल टैग लगाया जाता है जिससे कि एस्टिमल टैग फाइनली बताता है की यहाँ से एस्टिमल डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है देन हैड टैग लगाया जाता है देन टाइटल टाइटल के अंदर टाइटल लिखा जाता है जो भी पेज का टाइटल है और उसे क्लोजिंग टैग के द्वारा बंद कर दिया जाता है देन हैड टैग को भी क्लोज कर दिया जाता है देन बॉडी टैग में जितना भी कंटेंट होता है जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो बॉडी टैग में होती है तो बॉडी टैग लगाया जाता है और उसे क्लोज कर दिया जाता है जो भी इसके अंदर लिखना है कंटेंट वो लिखा जाता है देन एस्टीमल को क्लोजिंग कर दी जाती है इस तरह से एस्टिमल डॉक्यूमेंट का ये स्ट्रक्चर होता है ये मेन स्ट्रक्चर होता है ये तो सभी डॉक्यूमेंट जितने भी आप वेब पेज तैयार करेंगे उन सभी में ये स्ट्रक्चर तो लिखा ही जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ वेब पेज एंड अ वेबसाइट एक वेब पेज और एक वेबसाइट को डिफाइन करें अ वेब पेज इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट्स विच इंक्लूड टेक्स्ट ग्राफिक ऑडियो एंड वीडियो एक वेब पेज क्या होता है एक वेब पेज जैसे कि टेक्स्ट है ग्राफिक है ऑडियो है वीडियो है जितने भी मल्टीमीडिया कंटेंट होते हैं उसके लिए कंपोज किया जाता है अ वेबसाइट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज लिंक टू इच अदर थ्रू हाइपर लिंक्स और एक वेबसाइट क्या होता है बेसिकली ये एक संबंधित वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जिन्हें हाइपर लिंक के द्वारा एक दूसरे से लिंक किया जाता है मीन्स एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हाइपर लिंक लगा दिया जाता है एंड इज पब्लिश बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन और इसे पब्लिश किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्सन के द्वारा तो वेब पेज और वेबसाइट में ये डिफरेंस होता है वेब है वेबसाइट वेब पेज का कलेक्शन और वेब पेज है जितना भी कंटेंट जो भी ग्राफिक ऑडियो वीडियो हमें टेक्स्ट जो भी हमें डालना है वेब पेज पर वो सारा वेब पेज पर ही लिखा जाता है वट इज एन एट्रीब्यूट एक्सप्लेन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल

कोटेशन मार्क में लिखा जाता है जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है उसे कोटेशन मार्क में लिखा जाता है मींस इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल पी अलाइन इक्वल टू सेंटर ये देखिए यहाँ पर पैराग्राफ टैग है उसमें इसकी एट्रीब्यूट लिखा गया है अलाइन अलाइन एक एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू लिखी गई है सेंटर मीन्स पैराग्राफ को सेंटर में लाना है तो उसके लिए अलाइन एट्रीब्यूट में जो एट्रीब्यूट वैल्यू है वो सेंटर लिखी गई है और वो भी डबल क्वेटर में इन दिस एक्जाम्पल अलाइन इज एन एट्रीब्यूट इस एग्जाम्पल में अलाइन एक एट्रीब्यूट है और पी टैग है इट इंडिकेट्स दैट द टैक्स इन साइड द पी टैग इज टू बी डिस्प्लेड इन द सेंटर ऑफ द ब्राउजर विंडो और ये इंडिकेट करता है कि आपकी ब्राउजर विंडो में ये पैराग्राफ टैक्स जो है वो टेक्स को सेंटर में डिस्प्ले करेगा नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टूल्स टू क्रिएट एन एस्टिमेट एक एस्टिटमेंट को क्रिएट करने के लिए रिक्वायर टूप्लेन करना है तो बेसिक टूल्ड एन एस्टिटिकॉक्यूमेंट को बिल्ड करने के लिए रिक्वायर है वो इस प्रकार है फर्स्ट अ टेस्ट एडिटर लाइक अ नॉट पेड और वर्ड पेड प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू राइट द एस्टिमेल कोड एक टेक्स एडिटर जैसे कि नॉट पेड या वर्डपेड प्रोग्राम एस्टिमेल कोड लिखने के लिए रिक्वायर होता है मीनस उसकी आवश्यकता होती है और अब विजिविक एडिटर टू डिजाइन अ वेब पेज क्विकली विदाउट नोइंग द एक्चुअल एस्टिमल कमांड्स फॉर एग्जाम्पल एडॉप ड्रीम वीवर देखिए या तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत है यदि आपको कोडिंग यानी एस्टिमल कोड को लिखना है तो उसके लिए आपको एक नोट पैड या वर्डपेड प्रोग्राम की आवश्यकता होती है या फिर आप एक विजिविक एडिटर जो कि एक वेब पेज को क्विकली डिजाइन करता है यदि आपको एस्टिमल कमांड्स नहीं आती है एस्टिमल कोडिंग नहीं आती है तो आप क्विकली उसे डिजाइन कर सकते हैं जैसे कि अडोप ड्रीम वीवर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सेकेंड है जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी अब वेब ब्राउजर इज यूज टू डिस्प्ले और व्यू द एस्टिमल फाइल लाइक गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम हमस्टिमल फाइल को देख सकते हैं उसका डिस्प्ले देख सकते हैं जैसे कि गूगल क्रोम गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है इसके अलावा भी बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय